अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा ताहिर नदीम गोल्डन टूरिज्म बाकू आज़रबैजान से आपसे मुखातब हूँ। और इस टाइम अभी हम मौजूद हैं गबाला। जी हाँ, आज़रबैजान की बहुत ही फेमस जगह है गबाला। अभी हम तकरीबन 2 किलोमीटर की ज़्यादा हाइट पर मौजूद हैं और आप ये देख रहे हैं, ये चेयर लिफ्ट लगी हुई है और मेरे पीछे बिल्कुल आप ये देखेंगे कि पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ पड़ी हुई है और बहुत इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर टूरिस्ट। और मोस्टली हमारे आए हुए बहुत सारे दोस्त भी इंजॉय कर रहे हैं और मैं ये देख रहा हूँ कि हुकूमत ने काफ़ी अच्छे इंतजाम किए हुए हैं टूरिस्ट के लिए यहाँ पर। और यहाँ पर तकरीबन एक टिकट से आप 4 दफ़ा सिर्फ जाने जाने के लिए चेयर लिफ्ट पर बैठते हैं, वो तकरीबन अराउंड अबाउट 3,500 मीटर जो है ना बुलंदी पे जाती है चेयर। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये लिफ्ट चेयर जो है वो बहुत ही आरामदेह है, कंफर्टेबल है, इसमें आपको कोई यानी कि झटका कोई भी ऐसी चीज़ महसूस नहीं होती और बहुत सिक्योर की आप ये देख रहे हैं मेरे पीछे पहाड़ी देख रहे हैं आप जिसके ऊपर बर्फ़ पड़ी हुई है और बादल भी हैं। आप ये नीचे देख रहे हैं कि ये बादल हैं। जी हाँ, ये हमारे बादल जो हैं वो हमसे भी जो है ना वो ऊंचाई में नीचे हैं। और ये अभी आपको दिखाएंगे, ये नीचे एक गांव है लेकिन ये गांव भी कितने किलोमीटर की बुलंदी पर मौजूद है। और इसके अलावा आप ये देखें पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ पड़ी हुई है, क्योंकि ये जिस तरफ से अभी मैं कैमरा लगा रहा हूँ ये हवा की ऑपोजिट साइड थी इसलिए बर्फ़ नहीं है। जिस तरफ से हवा आई है वो ये आप देख रहे हैं कि बर्फ़ आपको नज़र आ रही होगी यकीनन। और इसके साथ ही आपको बताता चलूं कि बाकू से तकरीबन 4 घंटे की मुसाफत पर ये गबाला है जो जॉर्जिया की सरहद के बिल्कुल करीब भी है। और अभी जो है ना वो हम लोग यहाँ से नीचे की तरफ जाने वाले हैं और इंशाल्लाह आपसे रابطہ रहेगा और अगले क्लिप के लिए आपके पास हाज़िर होऊंगा। अभी ये देख रहे हैं, अभी हम इस चोटी पे जाएंगे और वहाँ से भी आपको नज़ारा दिखाएंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।